आज जिला मुख्यालय गोपेश्वर जिला सभागार में जिला प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक शुरू होने से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत को याद करते हुए खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात बैठक शुरू हो गई। बैठक में चमोली के तीनों विधायक मौजूद रहे। इस वर्ष वार्षिक जिला योजना 2019-20 के तहत चमोली जनपद के लिए शासन से 4,494 लाख का कुल परिव्यय आवंटित हुआ है। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जिला योजना के तहत पुराने चालू कार्यों की अधिकता की दृष्टिगत 70% धनराशि पुराने चालू कार्यों एवं 30% धनराशि को नए कार्यों में व्यय किया जाना है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि छोटी छोटी योजनाएं जो बजट के अभाव में लंबित हैं, उन योजनाओं को प्राथमिकता देकर उन्हें पूरा किया जाए। विभागों को इसके लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है ताकि इन योजनाओं के शीघ्र पूरा होने से लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा साइंस पार्क, डिजिटल लर्निंग, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए चैन लिंक फेंसिंग एवं पर्यटन से जुड़ी कुछ योजनाओं के प्रस्ताव भी इस बार जिला योजना में प्रस्तावित किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले साल के एवज में चमोली को 10% अधिक बजट दिया गया है। लाइव उत्तराखंड के लिए चमोली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। सब लोगों को बड़ा गहरा शोक व्यक्त किया हम लोगों ने कि हमारे जो प्रभारी मंत्री थे माननीय प्रकाश पंत जी, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज जिला योजना की बैठक में सबसे पहले हमने एक शोक प्रस्ताव किया है और पार्टी के कई गणमान्य लोग हमारे से गए हैं। दूसरा, आज हमने जिला प्लान के यहाँ पे बैठक की है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार 44,90,00,000 रुपए का हमने जिला प्लान का परिवय पास किया है और इसके हमारे चमोली ज़िले की स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हमारा जो जो बड़े बड़े काम हो सकते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बार चमोली ज़िले को, क्योंकि चमोली ज़िले ने पिछली बार 100% पैसा खर्च किया, इस बार उन्होंने 10% पैसा बजट हमको बढ़ा के दिया है और इस बार जो है काफ़ी अच्छे काम चमोली ज़िले में हो जाएंगे। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।